أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار अवलन तमाम किस्म की तारीफ़ात हमदो थना असमत बड़ाई व किबरियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदौला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए लायक और सेबा है। बाद दरूद और सलाम नासिल हो तमाम भेजे गए अम्बिया किराम और रसुलाने इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन इमामुल थक्लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामना फिद दुनिया व इमामना फिल आखिरा व इमामना फिल जन्ना जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام, आज के खुतबे जुमा का अनवान है अल्लाह से सेहत व आफियत मांगो। देखिए मेरे दोस्तों, पहले के बनिस्बत आजकल इस दौर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। पहले हमारे बाप दादाओं को वो बीमारियां नहीं थी जो आजकल हमारे और आपके समाज और माशरे के अंदर है। मासूम बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चे को और उम्र दराज से उम्र दराज बूढ़े इंसान को भी बड़ी बड़ी बीमारियां लग जा रही है। पहले ज़माने में हम ये सुनते थे कि बहुत बड़ी उम्र का है तो उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे शुगर आ गया, उसे बीपी हो गया, ऐसा सुनते थे, उसे फालेज का अटैक हो गया। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा है कि मामूली एक 4 साल 5 साल का बच्चा है उसे शुगर की बीमारी, 10 साल का बच्चा है उसे हार्ट अटैक आ रहा है, नौजवान है अभी 30-35 साल का उसे बड़ी बड़ी बीमारियां लग जा रही है। ये दौर ऐसा है जहां देखिए बीमारी बीमारी है, हर इंसान बीमार है, किसी ना किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। हर 5 में से 1 इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों से 2-4 है, याद रख लीजिए। तो आज के खुतबे जुमा के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मेरे भाइयों, ये दौर बीमारियों का दौर है, ये ऐसा दौर है जहाँ बड़ी बड़ी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। तो हम और आप हमेशा अल्लाह से सेहत व आफियत मांगें। क्यों? इसलिए कि ये सेहत व तंदुरुस्ती एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी नियमत है कि आप रुपया पैसा दे करके ख़रीद नहीं सकते। सुन लीजिए, ये सेहत एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी नियमत है कि आप रुपया पैसा दे करके ख़रीद नहीं सकते। हम और आप देखते हैं कि एक इंसान करोड़पति है, अरबपति है, पैसे की कमी नहीं है, डॉक्टर को बोलता है भाई आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, मुझे ठीक कर दो, मुझे अच्छा कर दो, मेरी ये बीमारी दूर कर दो। पैसे से आप सेहत व आफियत खरीद नहीं सकते, याद रख लीजिए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इससे बड़ी नेमत कुछ है ही नहीं। जैसा कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और यकीन के बाद, सुन लीजिए, ईमान के बाद यकीन के बाद सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो वो सेहत व आफियत है। सबसे बड़ी दौलत आफियत है। आप पूरी दुनिया का माल और दौलत दे करके भी सेहत व तंदुरुस्ती खरीद नहीं सकते मेरे दोस्तों। इसीलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये सवाल करते रहा करें कि अल्लाह तो मुझे सेहत व आफियत अता फरमा, सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर ये बयान फरमाया कि वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू, कि देखो उसने तुम्हें हर मुँह मांगी चीज़ अता की, तुमने जो कुछ भी मांगा वो अल्लाह ने दिया, तुमने नहीं मांगा फिर भी अल्लाह ने दिया,
वो तुम्हारी ज़रूरत थी लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दिया, तुमने जो कुछ भी मांगा अल्लाह ने उससे तुम्हें दिया। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, अल्लाह के एहसान को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, इंसान बड़ा ही ज़ालिम है, नाशुकरा है। इंसान के पास जब सेहतमंदी होती है, इंसान के पास जब सेहत व आफियत होती है, बहुत तुर लेता है, बहुत तुर लेता है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं तंदुरुस्त व तवाना हूँ। लेकिन जब बीमारी में घिर जाता है तब वो पशीमान होता है, तब वो नादिम होता है, शर्मिंदा होता है। इससे बड़ी नेमत और कुछ है ही नहीं, लेकिन लोग गफलत में, हम और आप गफलत में। और ये जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। क्या फरमाया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन्नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिसमें, जिसके बारे में अक्सर लोग लापरवाह हैं, गाफिल हैं। दो नेमतों से अक्सर लोग लापरवाह हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उनके पास कितनी बड़ी नेमत है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सहा वल फराग, सबसे पहली बड़ी नेमत सेहत है, सबसे बड़ी नेमत ये सेहत और तंदुरुस्ती है, उसके बाद फुर्सत के औकात है। लेकिन इंसान जब सेहतमंद होता है तब अल्लाह की इबादत और बंदगी नहीं करता है, तब नमाज वगैरह का एहतमाम नहीं करता है। लेकिन जैसे बीमार पड़ जाता है वैसे ही इंसान अल्लाह की इबादत और बंदगी करना चाहता है। मेरे दोस्तों, आज अगर अल्लाह ने हमको और आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता कर रखी है तो आज ही हम इसको गनीमत जानते हुए अल्लाह की इबादत और बंदगी कर लें। क्यों? इसलिए कि बुढ़ापे में तो लोग इस तरह से नमाज पढ़ते हैं कि ना रुकू सीधा होता है और ना ही सजदा उनका सीधा होता है, ना वो दुआएं ठीक से पढ़ते हैं, ना वो खड़े हो सकते हैं ठीक से, हर तरह की परेशानियों से वो इंसान दो चार होता है। इसलिए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इग्तनिम खमसन कबल खमसिन, पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। शबाब का कबल हरम का, जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत जानो। वह सेहत का कबल सकम का, और तुम अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत जानो। आज हम सेहतमंद हैं इसकी हमें कदर नहीं है, जब बीमार पड़ जाती हैं, जब शुगर अटैक हो जाता है, जब बीपी हो जाती है, जब तरह तरह की बड़ी बीमारियों से दो चार हो जाते हैं तब हम रोना रोते हैं। आज हमारे पास सेहत और तंदुरुस्ती है, हम बीमारी से पहले पहले इसको गनीमत जाने, ये जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है। वगैना का कबल फ़क्र का, और अपनी मालदारी को गरीबी और मोहताजगी से पहले गनीमत जानो। जी हाँ, आज अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, माल और दौलत से नवाजा है, तो उसकी कद्र कीजिए, उसको बचा लीजिए, उसको गवाइए मत, फजूल खर्ची मत कीजिए। लोग अक्सर ऐसे ही है, मुसलमान आज के कैसे पैसा आ रहा है, खूब उड़ाते पैसा। अल्लाह है भाई, अल्लाह तो है ही है। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा है कि अगर अल्लाह ने हमें मालदारी दी है तो हम पैसा को बर्बाद करें। गरीबी कभी भी आ सकती है, ये तो पैसा के हाथों का मैल है, कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ। आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसकी कदर करें, फकीरी आने से पहले पहले मालदारी को गनीमत जाने। कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं। व फराग का कबल शुगल का, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और चौथी बात यह कि और मशगूलियत से पहले, बिजी होने से पहले पहले खाली औकात को गनीमत जानो, छुट्टियों के औकात को गनीमत जानो। इंसान कैसा है, जब बिजी रहता, ड्यूटी पर रहता, काम में रहता तो नमाज को याद करता रहता, बहुत बिजी हूँ नमाज पढ़ने नहीं हो रहा, इंसान की फितरत है। लेकिन जब छुट्टी का दिन आता, संडे का दिन आता, दुकानें बंद रहती, कारोबार बंद रहता, तो इंसान नमाज को नहीं आता। जी हाँ, ये इंसान की फितरत है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशगूलियत से पहले पहले तुम अपनी जो फुर्सत के औकात हैं, जो फ्री औकात हैं, फ्री टाइम है, उसको गनीमत जानो। और वह हयात का कबल मौत का, और मौत से पहले पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो। तो इस हदीस के अंदर मुझे ये बतानी मकसूद थी कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले पहले गनीमत जानो। इससे बड़ी दौलत कुछ है ही नहीं मेरे दोस्तों।
आइए इस बारे में एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रती अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक इंसान आया, ज़रा गौर से सुनिए, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। एक इंसान आया, लोग रोना रोते रहते हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास अल्लाह कुछ नहीं दिया। रोते कि नहीं रोते? तो सुनिए ये हदीस और हमेशा याद रखिए। अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक इंसान आया और कहा कि ऐ साहब रसूल, क्या हम फ़करा मुहाजरीन में से नहीं है? यानी हम फ़कीर हैं, मुहाजिर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना माल है, ना दौलत है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा ये बतलाओ कि क्या तुम्हारे पास बीवी है जिसके पास तुम आराम करने जाते हो? कहा कि हाँ बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि अच्छा ये बतलाओ क्या तुम्हारे पास घर है? कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह घर भी है। मेरे पास घर क्या, मेरे पास तो नौकर भी है, खादिम भी है, ऐसा कहा। तब हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा था सुनिए, कहा कि फ़अंता मिनल मुलूक, तब तो तुम बादशाह हो। अल्लाहु अकबर, क्या कहा? कि तब तो तुम बादशाह हो। देखिए आज हमारे पास सब कुछ है, हम रोना रोते रहते हैं, हमारे पास सेहत मंदी और तंदुरुस्ती है और हम और आप रोना रोते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास घर है, अगर आपके पास बीवी बच्चे हैं और आपके पास नौकर चाकर भी है, तब तो आप बादशाह में से हैं। सिर्फ इतना नहीं, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि जो तुम में से एक इंसान इस हाल में सुबह करे कि वो अपने शहर में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में अमन व अमान से, हम और आप हैं कि नहीं अमन व अमान से, बोलिए भाई है ना। तो सुनिए ज़रा ये हदीस, जो इंसान तुम में से अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने शहर में, अपने मुल्क में अमन व अमान से है, मुआफन फी जसद ही, और वो इंसान किसी बीमारी से दो चार नहीं है, सेहत व तंदुरुस्त मंदी उसे हासिल है, वो इंसान हट्टा कट्टा है, उसे कोई बीमारी लायक नहीं है, और इंदहु कूतु यौमी, उसके पास एक दिन का खाना मौजूद है। आज हमारे पास पूरे साल भर का घरों में चावल होगा, चावल का थैला स्टॉक ला करके रख लेते, रख लेते कि नहीं रख लेते? एक महीना दो महीने की हर चीज़ आज हमारे घरों के अंदर मौजूद है, फिर भी हम और आप रोना रोते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब देखिए इंसान रोना रोता रहता है, सुनिए हदीस क्या कहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और उसके पास एक दिन का खाना मौजूद है, फकअन्ना महीसत लहुद दुनिया, तो उसके पास गोया कि सारी दुनिया की माल और दौलत है। अल्लाहु अकबर। जो इंसान सेहतमंद है, जिस इंसान के पास घर में एक दिन का खाना है, जो इंसान अपने शहर में अमन अमान से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इंसान, उस इंसान के पास दुनिया व माफिया की सबसे बड़ी दौलत मौजूद है, इससे बड़ी दौलत कुछ है ही नहीं मेरे दोस्तों। लेकिन हमको और आपको इस बात की कदर नहीं है, एहसास नहीं है, खोने के बाद एहसास होगा। जब बीमार पड़ जाएंगे, जब बड़ी बड़ी बीमारियों से दो चार हो जाएंगे, तब रोएंगे। उससे पहले पहले इसको गनीमत जानो और अल्लाह से सेहत व आफियत का सवाल करते रहा करो मेरे दोस्तों। आज बीमारियों का दौर है, हर इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों से दो चार हो रहा है, कौन कब किस बीमारी से दो चार हो जाए ये कोई नहीं जानता है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके चचा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसी दुआ बतला दीजिए कि मैं अल्लाह से मांगा करूं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा कि आप जो है दुनिया और आखिरत में अल्लाह से आफियत मांगिए। अब ये दुआ बतलाने वाला हूं, आप कैसे आफियत के साथ रह सकते हैं इस बारे में मैं आपको पांच छह दुआएं बतलाने वाला हूं। पहले यह हदीस सुन लीजिए, क्या कहा कि आपके चचा ने कहा कि ऐ मेरे भतीजे, ए अल्लाह के नबी अकरम अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई ऐसी दुआ बतलाइए कि मैं अल्लाह से मांगते रहा करूं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे चचा, आप अल्लाह से आफियत मांगिए। कुछ दिनों के बाद फिर आए, कहा कि आप मुझे कुछ ऐसी दुआ बतलाइए कि मैं अल्लाह से मांगूँ। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे चचा, आप अल्लाह से आफियत मांगिए। उसके बाद फिर आए,
तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि आप अल्लाह से सेहत व आफियत मांगिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बार बार यही कहा और कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफात फिद दुनिया वल आखिरा, कि मेरे चचा आप जो है अल्लाह से दुनिया व आखिरत में सेहत व आफियत मांगिए, माफ़ी मांगिए। दुनिया देखिए, दुनिया व आखिरत, दुनिया में माफ़ी क्या है? दुनिया के अंदर मुआफात ये है कि इंसान को सेहत की दौलत मिले, इंसान बीमारियों से बचा रहे, और आखिरत में मुआफ़ी ये है कि इंसान को नजात मिल जाए, इंसान अल्लाह के अज़ाब से बच जाए, इंसान जहन्नम की आग से बच जाए। ये बहुत ही बेहतरीन दुआ है मेरे भाइयों, लेकिन हमको और आपको इस बात की ज़र्रा बराबर भी कदर और एहसास नहीं है कि अल्लाह ने हमको और आपको सेहत व आफियत से रखा है, लेकिन हम और आप इसकी नाकदरी करते। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्नल इंसाना लज़लमुन कफ़ार, इंसान बड़ा ही ज़ालिम है, नाशुकरा है। और ये नाशुकरी एक ऐसी चीज़ है ना कि एक इंसान की सेहत व आफियत छीन लेती है। अगले जुमा आप यही सुनेंगे, नाशुकरी इंसान से सेहत व आफियत कब छीन ली जाती है, इंसान से अल्लाह नेमतों को कब छीन लेता है, ये आप सुनने वाले अगले खुतबे जुमा के अंदर। अल्लाह ने क्या कहा कि इंसान सबसे बड़ा जालिम और नाशुकरा है। तो इंसान के पास की सेहतमंदी रहती है, लेकिन इंसान इस चीज़ की कदर नहीं करता। मेरे भाइयों, सेहत व आफियत कितनी बड़ी दौलत है, इसका अंदाज़ा आप एक बात से लगा सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब कभी भी सुबह करते या शाम होती तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुआ कभी नहीं छोड़ते थे। किसकी बात हो रही है? बोले भाई, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात मैं कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह में शाम में कभी भी ये दुआ नहीं छोड़ा करते थे। भाई, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ किया करते थे। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 60 साल के भी थे तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कोई बीमारी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। आज तो यहाँ 40 साल में और 45 साल में 50 साल में ही इंसान 100 बीमारियों से दो चार हो जाता है। कैसी कैसी बीमारियाँ, क्यों? या हम और आप जो है जानबूझ करके ला लेते, अल्लाह से सेहत व आफियत नहीं मांगते। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ते, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि कभी भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुआ नहीं छोड़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा, कि ऐ अल्लाह तू मुझे सेहत व आफियत अता फरमा और आखिरत में तू मुझे माफ़ फरमा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, लेकिन हम और आप जो है इस तरह की दुआओं से बेपरवाह, जो होगा देखा जाएगा। दुआ मानिए, ये दुआ के ज़रिए ही हम और आप आजकल की बीमारियों से बच सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा सेहत व आफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा करते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जितनी भी ये दुआएं मनकूल हैं उसमें से एक सबसे बेहतरीन दुआ मैं आपको बतला रहा हूँ, और ये ऐसी दुआ है जिससे बहुत सारे लोग महरूम हैं, याद ही नहीं करते। दुआ याद करेंगे कि नहीं करेंगे? आप इस हदीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान ये दुआ पढ़ेगा तो मरते दम तक उसको वो बीमारी लायक नहीं होगी, अगरचि वो कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। अल्लाह अकबर, जो इंसान ये दुआ पढ़ेगा मरते दम तक उसे कोई मुसीबत लायक नहीं होगी, अगर जो वो कितनी बड़ी मुसीबत ही क्यों ना हो। उसका तरीका क्या है कि आपने किसी इंसान, किसी मुसीबत ज़दा इंसान को देखा, किसी परेशानी में मुबतला इंसान को देखा, आपने देखा कोई इंसान शुगर में मुबतला हो गया, आपने सुना, आपने ये सुना कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, सुनते कि नहीं सुनते? बोले भाई, सुनते हैं ना। आपने ये सुना किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। आपने ये सुना किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गया, तो सुनते ही और देखते ही ये दुआ पढ़ लीजिए। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक वो इंसान जिंदा रहेगा उसे वो मुसीबत लाइक ही नहीं होगी। अल्लाह अकबर, ये मैं नहीं कह रहा। वो कौन सी दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मबतलाका बिही वफ़ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफसीला।
अल्लाहु अकबर कि हर तरह की तारीफ़ उस ज़ात के लिए जिसने मुझे उस मुसीबत से बचा लिया जिसमें उसने उसको मुब्तला किया, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ने मुझे बहुत सारी मखलूक में फजीलत अता की है, यानी और भी बहुत सारे लोग बीमार हैं और भी बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे उन तमाम से अच्छा रखा है, अल्लाहु अकबर। यह हम और आप सोचते हैं समझते हैं कि भाई सबसे बड़ा परेशान इंसान मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा मुसीबत से दो चार मैं ही हूँ, यह हम और आप सोचते हैं समझते हैं, लेकिन याद रख लीजिए मेरे भाइयों कि हमसे भी ज़्यादा कोई परेशान है, हमसे भी ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी बीमारियों से दो चार है। इसीलिए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही तुम किसी मुसीबत ज़्यादा इंसान को देखो ये दुआ पढ़ लो, आप यकीन के साथ पढ़िए, मरते दम तक आप कोई बीमारी लायक नहीं होगी। ये जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, याद रख लीजिए। अगर आप सेहत व आफियत चाहते हैं ना तो डेली सुबह में और शाम में तीन तीन मरतबा और एक दुआ पढ़िए, आपको कोई बीमारी लायक नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब कि मैं आपको बतला रहा हूँ, ये जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात है, फिर आप ये सोच लेंगे कि मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में आपको ये हदीस सुना रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सुबह में तीन मरतबा और शाम में तीन मरतबा ये दुआ पढ़ेगा, लम यसुरहु शयून, उसे कोई चीज़ तकलीफ नहीं पहुँचा सकती, कोई चीज़ नहीं, बड़ी सी बड़ी बीमारियाँ भी उसे लग नहीं सकती है, कोई बीमारी नहीं लग सकती है। वो क्या है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मी शैयुन फिल अर्दी वला फिस समा वा हुवस समीउल अलीम। देखिए छोटी दुआ है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी सी दुआ है, कोई ज़्यादा बड़ी दुआ नहीं है, आप देख करके भी दो चार दिन पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। दुआ की किताब वगैरह के अंदर आपको हर जगह ये दुआ मिल जाएगी, और हर मुसलमान को ये दुआ याद रहनी चाहिए, हर मुसलमान को। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती, और इस दुआ का, इन दुआओं का फ़ायदा अगर आपको देखना है तो फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी को देख लीजिए, याद कर लीजिए कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कभी कोई बीमारी लायक हुई नहीं। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा इन दुआओं का एहतमाम क्या करते थे। इसी तरह से मेरे दोस्तों, अगर आप हमेशा सेहत व आफियत के साथ रहना चाहते हैं और हर बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो फिर और एक आसान दुआ मैं आपको बतला दे रहा हूँ। ये सब आसान दुआएँ क्या है कि लास्ट की तीन सूरतें सबको याद रहती हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये तीन सूरतें सब मुसलमान को याद रहती हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सुबह में डेली और फिर शाम में डेली, देखिए ये सब दुआएं ऐसी हैं कि आपको हमेशा पढ़ना है, अब एक मरतबा पढ़ लेंगे, एक दिन पढ़ लेंगे और फिर छोड़ देंगे और बाद में बीमारी के शिकार हो जाएंगे तो याद करेंगे कि मौलवी साहब तो कुछ और बोले थे, मैं एक मरतबा पढ़ा मुझे शिफा नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना पड़ेगा, जिस तरह से आप खाना खाते हैं, जिस तरह से आप अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरी करते हैं, उसी तरह से आपको अगर सेहत व आफियत चाहिए तो ये तमाम दुआएं हमेशा पढ़नी पड़ेगी, याद रख लीजिए। क्या है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सुबह में तीन मरतबा, शाम में तीन मरतबा, ये तीनों सूरतें पढ़ लेगा, यानी कि एक एक सूरह तीन मरतबा, सूरह इखलास तीन मरतबा, सूरह फलक तीन मरतबा और सूरह नास तीन मरतबा, तीन तीन सूरतें जो इंसान पढ़ लेगा, यानी कि नौ मरतबा सुबह में, नौ मरतबा शाम में, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तीनों सूरतें उसके लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, ये तीनों सूरतें पढ़ने से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिफ्ज़ो अमान में आ जाएंगे, आपके लिए हर चीज़ से ये काफ़ी हो जाएंगी। और इन तीनों सूरतों के अंदर क्या है कि इसका खुलासा ये है कि जो इंसान पढ़ेगा वो हर बड़ी बड़ी रूहानी बीमारियों से और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहेगा, याद रख लीजिए। जिन्नात व शयातीन
कोई उसके ऊपर जादू नहीं कर सकता, कोई उसके उससे हसद नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, कोई शैतान उसे सता नहीं सकता, कोई इंसान उसे सता नहीं सकता, चाहे वो जिन्नात में से हो इंसान में से हो, कोई उसे तकलीफ़ नहीं दे सकता। कितनी आसान दुआएं हैं, तो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? आइए आखिर में मैं आपको एक और कीमती बात बतला देता हूँ कि अगर आप हमेशा सेहत व आफियत चाहते हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं और बीमारी से बचना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए। वो काम क्या है कि उतना ही खाएं जितना कि आपको पेट की ज़रूरत है। सुन लीजिए, अब आप कहेंगे कि मौलाना ये कौन सी बात है, इस पर भी मैं आपको हदीस सुनाने वाला हूँ। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से अगर आप महफूज रहना चाहते हैं, तो कम खाइए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि सबसे बुरा बर्तन अगर कोई इंसान भरता है तो ये उसका पेट है। सबसे बुरा बर्तन देखिए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या कहा कि बर्तन ये पेट जो है हमारा बर्तन है। सबसे बुरा बर्तन अगर इंसान भरता है तो ये उसका पेट है। जो इंसान जितना ज़्यादा खाएगा वो उतनी ही ज़्यादा बीमारियों से दो चार होगा, याद रख लीजिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के लिए उतनी ही ज़रूरत है कि बस उसकी पीठ सीधी रह सके, इतना ही खाए जितने कि आपको भूख लगी हो, ज़्यादा ना खाए वरना हमेशा बीमार रहेंगे। तारीख का एक वाकया है, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक तबीब आया, ईरान वगैरह से उधर से आया और कहा कि मैं मदीना के अंदर रहना चाहता हूँ, यानी कि क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, समझ लीजिए कि क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आप रह लीजिए, हमारे पास रहिए, आप इलाज वगैरह कीजिए। एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीना हो गया, कोई इलाज कराने ही नहीं आता, ये लीजिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में तबीब आया कि मैं लोगों का इलाज करूंगा, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीना हो गया, लेकिन कोई इलाज कराने के लिए नहीं आ रहा, किसी को कोई बीमारी नहीं आ रही है। तो जब वो फिर तबीब आया और कहा कि भाई क्या बात क्या है, माजरा क्या है कि कोई इलाज कराने के लिए ही नहीं आता है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें बीमारियाँ क्यों लाइक होंगी, हम बीमार कैसे होंगे, जबकि हमारे लिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जब तुम खाओ तो अपने पेट का तीन हिस्सा बनाओ, एक हिस्सा खाने से भरो और एक हिस्सा सांस के लिए छोड़ो और एक हिस्सा पानी पीने के लिए छोड़ो। देखिए ये हदीस सुनाए, इसीलिए हम में से कोई इंसान बीमार नहीं पड़ता है। देखिए तो ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर सेहत व आफियत चाहते हैं, अगर तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इलाज बतलाया है ना, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बतलाया है कि इंसान अपने पेट का तीन हिस्सा करे, एक हिस्सा खाने से भरे, एक हिस्सा सांस के लिए छोड़े और एक हिस्सा पानी के लिए छोड़े। नहीं, हम और आप क्या करते हैं, इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ये साइंस के अंदर भी है कि ये जो हमारा ये होता है ना पसली जिसे कहते हैं, वहाँ जो फेफड़े होते हैं, वो सांस लेने की एक नली होती है, जब इंसान खाने से भर लेता है तो वो फूल जाती है, अब उसे हवा नहीं खेलता है, जिसकी वजह से सांस लेना इंसान को दुश्वार हो जाता है। ऐसे कितने लोग हैं दावत में खा करके आकर के ठहर जाते, समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करूँ नहीं करूँ। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा खाओगे तो बीमार रहोगे, ज़्यादा खाओगे तो याद रख लीजिए आप कभी भी सेहत व आफियत हासिल नहीं कर सकते। ये देखिए सच्चा वाकया है कि तबीब डॉक्टर खुद आकर के आगे कोई इलाज कराने के लिए नहीं आता, कहा कि भाई हम कैसे बीमार होंगे, हमारे सामने में तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह फरमान मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, पूरे तकरीर का खुलासा ये हुआ कि इस कायनात में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई चीज़ है तो वो सेहत व आफियत है। सेहत व तंदुरुस्ती से ज़्यादा कोई माल और दौलत नहीं है। आप सेहत वह तंदुरुस्ती पैसा रुपया माल और दौलत दे करके भी ख़रीद नहीं सकती। अगर आपके पास दुनिया व माफिया की हर चीज़ है, अगर सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं है और अगर सेहत है तो आपके पास सबसे बड़ी दौलत है। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको हमेशा हर हाल में अल्लाह से सेहत व आफियत सवाल करते रहने और मांगते रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इंशाल्लाह अगला जो खुतबा जुमा होगा वही होगा कि अल्लाह लोगों से
जो नेमतें हैं वो क्यों छीन लेता है, जो सेहत और तंदुरुस्ती या दिगर नेमतें हैं वो अल्लाह लोगों से क्यों छीन लेता है, इस बारे